अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम शहवाना एंड यू आर वॉचिंग वर्ड ऑफ आर्ट। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, और हम अपनी आज की वीडियो इसी दुआ से शुरू करेंगे कि रमज़ान सबकी ज़िंदगियों में बहुत सी खुशियाँ, बरकतें और रहमतें लेकर आए, और अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली और खुशियों वाली लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। सबसे पहले तो हमें अपना बैकग्राउंड बनाना होगा। बैकग्राउंड बनाने के लिए हमें यहाँ पर 9 कलर्स रिक्वायर्ड हैं, सिल्वर, लेमन येलो, ब्राउन, ऑरेंज, रेड, कोबाल्ट ब्लू एंड डार्क येलो। अच्छा, अब यहाँ से सिल्वर से कोबाल्ट ब्लू तक हमें चाहिए बैकग्राउंड बनाने के लिए, और इन कलर्स के कॉम्बिनेशन से हम एक न्यू कलर बनाएंगे और वो भी हम बैकग्राउंड में ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपने कैनवास को उल्टा करेंगे ऐसे, फिर इसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे। ये नहीं जी, हमने यहाँ पर स्प्रे कर दिया है। अब देखें, यहाँ पर हमारा कैनवस थोड़ा सा गीला गीला सा हो गया है, और ये हम क्यों करते हैं, ताकि जब हम इसके ऊपर पेंट करें अपने कैनवस के ऊपर, तो हमारे पेंट्स ड्राई ना हो और हमें इजी हो कैनवस के ऊपर पेंटिंग करना। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सिल्वर कलर, पहले हम इसको अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करते हैं, हमने इसको रैंडमली अप्लाई करना है, कोई इतना हमने इसको सीक्वेंस से अप्लाई नहीं करना। देखिए, क्योंकि हमने इसको रैंडमली करना था, तो कुछ कलर्स हमने खुद भी निकाल दिए हैं बाहर से। ठीक है, हम जो कलर यूज़ करेंगे वो होगा ब्राउन। यहाँ पे हमने सिल्वर और येलो हमने कर लिया है। हमने यहाँ पर भी अपना से लाइट ब्राउन कलर अप्लाई कर, डार्क ब्राउन था, जिसमें लाइट ब्राउन कलर। नाउ वी हैव द रेड कलर, और हमने इसको अप्लाई करना। जहाँ तक आपके कलर स्प्रेड हो सकता है आपने इसको कर देना। कोबाल्ट ब्लू, और अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं।
अब हमने एक नया कलर बनाना है मिक्स कलर्स करके। जो तीन कलर्स ये होंगे, कोबाल्ट ब्लू, मीडियम ग्रीन एंड लेमन येलो। इन तीनों को मिक्स करने से हमारे पास एक ग्रे सा शेड आएगा, ग्रे पर्पल सा उसमें शेड आएगा, वो हम बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पे ब्लैक हमने इतना ही करना था, कर लिया। अभी जो हमारे पास जगह खाली रह गई हैं, यहाँ पे हम कोई से भी कलर्स फिल कर देते हैं। जैसे जी देखिए, हमारे पास यहाँ पे ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर हम कर देते हैं। कितने भी आप अप्लाई कर सकते हैं रैंडमली।